आज से हरियाणा जी के करंट अफेयर स्टडी करने जा रहे हैं। ये मंथली वाइज करेंगे। इस क्लास में जून मंथ की, जून 2019, नेक्स्ट में मई 2019, नेक्स्ट में अप्रैल 2019, ऐसे बैक चलते रहेंगे। 10 से 12 महीने की करेंगे और हर क्लास लगभग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेंगे। यदि क्वेश्चन की किसी की डिटेल बतानी जरूरी होगी, यदि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस क्वेश्चन की डिटेल बताई जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में जून 2019 तक लगभग कितने बिजली भुगतान थे? इसका राइट आंसर 65 लाख। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मूंग की उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में योगदान के लिए बेस्ट सेंटर अवार्ड प्रदान किया गया? तो उसका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के अंदर है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा के किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर महेंद्र जैन। महेंद्र जैन को यह अवार्ड राज्यपाल के हाथों दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ग्राम स्तर पर संचालित गोबर गैस संयंत्र किस जिले में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हिसार। इसकी डिटेल देखते हैं। हिसार जिले के बरवाड़ा खंड के नया गांव में, गांव का नाम ही नया गांव है, गोवर्धन योजना के तहत ये किया गया और इसका शिलान्यास 29 अगस्त 2018 को किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में मई 2019 तक कितने महिला थाने हैं? तो इसका राइट आंसर है 32। हरियाणा के किस जिले में समुद्री सुरक्षा को लेकर 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। देश में कैंसर से होने वाली एक तिहाई मौतें अकेले किस राज्य में होती है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिलों में जल ही जीवन नामक योजना लागू की गई? तो इसका राइट आंसर 7। डिटेल से देखते हैं इसको, 7 वो कौन कौन से हैं। अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, सोनीपत। 6 तो ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, सीमा टच है। यमुनानगर अम्बाड़ा से टच है, अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र कैथल से, कैथल जींद से, और कुरुक्षेत्र से कौन, सॉरी करनाल, और ये सोनीपत अलग है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रखने का निर्णय लिया है? इसका मतलब है कि ऐसी लड़की को एडमिशन देंगे जो अपने पेरेंट्स को, अकेली होगी, कोई और नहीं होगा। तो उसका आंसर, राइट आंसर है JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये YMCA का बदला हुआ नाम है। YMCA कहाँ, फरीदाबाद में, तो ये भी कहाँ, फरीदाबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में धान की जगह किस खेती को उगाने के लिए 25 करोड़ की योजना तैयार की है? तो उसका राइट आंसर है मक्का। ये जल स्तर को ध्यान में देखते हुए, क्योंकि हरियाणा का जल स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए धान की जगह मक्के को सेलेक्ट किया है।